कि सरकार करना क्या चाहती, सरकार यहाँ जो है गोलियां चलाना चाहती। कल सरकार की मंशा को समझ गए थे कि बड़े भाई छोटा भाई साथ है, आगे बढ़ो। अभी इस देश के नौजवानों को बल नहीं देखा सरकार ने। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण इस समय मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्यों आए। मेरे बड़े भाई ने कल यहाँ जो है उसका अपमान हुआ, उनका नहीं मेरा खुद का अपमान है, किसानों का अपमान है, देश के अन्नदाता का अपमान है, और किसान मजदूर एकता की बात करने वाले लोग पीछे कहाँ रह सकते हैं। सर कल तो बड़े असहाय हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर बिल वापस हो गया। क्या कहे असहाय होने के बाद? ऐसा असहाय नहीं हुए, जो लीड करता ना उसको पता होता है, ठीक है ना। अगर वो कल अपनी बात को जनता तक ना पहुंचाते तो शायद जनता जागती ना। सर किसी भी तरह के सवाल हो राकेश टिकैत जी के से, वो हमेशा कभी डायरेक्ट उल्टा जवाब नहीं देते थे। किसी भी तरह के सवाल हो अंदर सजा सहेज सरकार की मंशा बहुत भाप पाए थे। कल सरकार की मंशा को समझ गए थे कि सरकार करना क्या चाहती, सरकार यहाँ जो है लाशों का खेल खेलना चाहती, यहाँ गोलियां चलाना चाहती। कल सरकार की मंशा को समझ गए थे तो इसलिए जो है भावुक हुए, क्योंकि एक नेता जो है, एक नेता ये नहीं होते देख सकता, जिन जो उनके कहे पे आए उनके ऊपर गोली चल जाए वो कैसे बर्दाश्त करेगा। आप उनको ढांढस बनाने आए? नहीं नहीं, अरे वो ताकतवर आदमी है, बताइए ताकतवर आदमी का ढांढस बन जाता है। मैं तो ये बताने आया हूँ कि बड़े भाई छोटा भाई साथ है, आगे बढ़ो। हमने तो बहुत तरह से सवाल किए, उनको कभी इस तरह से नहीं देखा कि वो अपनी जगह ठीक है और ताकतवर है। अब जब सोके उठेंगे ना और जब बाहर को ये चमन देखेंगे, बाहर गुलिस्ता जो दोबारा सजा है किसान आंदोलन का, उसे देख के और ताकतवर हो। तो बीमार चल रहे हैं। हाँ मैं समझता हूँ, 50 दिन से ज़्यादा हो गए, 60 दिन हो गए आप तो बीमार ही, 64 दिन हो गए हैं। सरकार को अंदाता और फिर ऊपर से बीमार, और तानाशाही दिखा रहे हैं, लाठियाँ दिखा रहे हैं। अभी इस देश के नौजवानों को बल नहीं देखा सरकार ने। बिजली काट रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, ये क्या, ये कौन से जुर्म? अंग्रेजों से ज़्यादा बुरे हो गए। कम से कम अंग्रेजों के उसमें अधिकार तो था आंदोलन करने के, तो वो भी छीन रहे हैं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग चुकी है, सरकार को जन आंदोलन की ताकत का बहुत जल्द पता लगा। जिस तरीके यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? मुजफ्फरनगर में दिक्कत है, वहाँ किसी को कहा था क्या? वहाँ तो सड़क पर टेंट लग सकता है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर मेरठ ऐसे जगह जरूरत मेरी यहाँ है तो मैं यहाँ हूँ, ये बताने के लिए कि किसान अकेले नहीं। जिस तरीके से डीएम साहब अल्टीमेटम दे दिया, पूरी रात भर यहाँ किसान परेशान रहे, धारा 144 तक लगा दी गई, और उस चीज को देख के यहाँ कुछ बीजेपी के नेता भी यहाँ आ गए थे, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? कौन सी धारा 144, और किसके लिए धारा 144? देश के अन्नदाता के लिए धारा 144? जो देश को रोटी देता उसके लिए धारा 144? पहले से नहीं बता के लोग इकट्ठा हुए क्यों धारा 144 लगाई? ये सब जो है सरकार के एजेंडे फेल होने वाले हैं। जो सरकार कर रही है आंदोलन को बदनाम करने की, वो नहीं चलेगा। जनता का आंदोलन बन गया, जन समर्थन है, सरकार जीते सरकार हारेगी और किसान जो है जीतेंगे। और अब नया जो नारा है ना हमारा, पहले बिल वापसी फिर घर वापसी, वही होगा। और आप देखते हैं जिस तरीके से मुरादनगर के निजाम चौधरी आजाद भाई, जिस तरीके से मुरादनगर के निजाम चौधरी साहब ने आपके आह्वान के बाद जो है किसानों के समर्थन में रैली निकाली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे रोक दिया था, कहीं ना कहीं योगी सरकार आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करी? जोर लगाए हल्के लड़ाई तो हम भी नहीं लड़ना चाहते ना, तानाशाही करे सरकार। मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे आंदोलन पे सरकार जो है ना, जब मैं आंदोलन करूँगा उस पर सरकार गोली चलाएगी। मैं सरदार उधम सिंह को भी मानता हूँ, मैं सरदार भगत सिंह को मानता हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानता हूँ, मैं सर छोटू राम को भी मानता हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह को भी मानता हूँ, मैं ताऊ देवलाल को भी मानता हूँ। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मैं गुरु गोविंद सिंह जी को मानता हूँ, भगवान वाल्मीकि महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव को मानता हूँ। तो मानवता के भले के लिए जो करना पड़े करेंगे, लेकिन गोली सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। अगर देश के लिए, देश हमारा है, हम प्रथम अंतिम भारतीय है, देश के लिए अगर गोली भी खानी पड़ी, फांसी भी चढ़ना पड़ा, तो पीछे नहीं हटेंगे सर। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। ये किसान नेता राकेश टिकैत के जन आंदोलन में उन्हें ढांढस बंधाने के लिए आए हैं, साथ ही इन्होंने नौजवानों से अपील की और सरकार को आगाह भी किया कि अभी आपने नौजवानों की ताकत को नहीं देखा है या आपको नौजवानों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है।